बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो गैट के उन तुलबा के लिए है जो गैट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गैट का जो एग्ज़ाम है वो 12 फरवरी 2023 को होना था, लेकिन इसकी अब नई तारीख आ चुकी है, वो है 19 फरवरी 2023। यानी कि मैक्सिमम आपको एक हफ्ते का टाइम मज़ीद मिल चुका है। तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको HSC की तरफ से रोल नंबर स्लिप भी इशू हो जाएगी। तो आपने करना यह है कि आपने एक टाइम टेबल बनाना है जो 10 किताबों पर मुश्तमिल होगा। कोशिश करें कि पर डे आपने 2 किताबें जो है वो हर हाल में बेरेक्ट से पढ़ के फिर सोना है। और फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे बेरेक्ट से, और सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, असेसमेंट के लिए जो भी आपके पास MCQs की बुक अवेलेबल होगी उससे आप खुद को असेस करेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि आप हर किताब के कुछ अहम जो सेक्शन हैं उनके आप चार्ट बना लेंगे। जैसे फ़र्ज कर लो एक किताब है पाकिस्तान पिनल कोड, सिलेबस इसका क्या है, टोटल आपने देखने हैं इसके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर मौजूद हैं। जैसे चैप्टर 2 है तो ये किससे रेलिवेंट है, जनरल एक्सप्लेनेशन है, इसमें आप इसका चार्ट बना लेंगे। जनरल एक्सेप्शंस हैं, इसके आप 2 हिस्से बना लेंगे। एक हिस्सा वो जो यानी कि डील करेगा 76 से लेकर 95 तक, और दूसरा पोर्शन जो है वो डील करेगा 96 से लेकर 106 तक। तो इस तरह आप जब चार्ट बना बनाकर सवाल को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बेरेक्ट से आपकी तैयारी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। फिर आप सेकेंड टाइम क्या करेंगे, आप उसी जो आपने बेरेक्ट से तैयारी की होगी असेसमेंट के लिए, आप MCQs की बुक खोलें जो भी आपके पास अवेलेबल होगी, उसमें आप देखें कि कौन सी बात ज़्यादा पूछी गई है बारीकी से बारीकी। जैसे एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता चलूँ। एक सवाल है चलान पुलिस रिपोर्ट जो CRPC का है, तो आपको पता होना चाहिए चलान जो है और ये 173 के तहत होता है, इंटरम ये जो रिपोर्ट है ये क्या चीज़ है। दूसरी बात, चलान के कालम कितने हैं, हर कालम का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कालम किस से रेलिवेंट है। तो इस तरह आप टाइम चार्ट बना बना कर तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरी दुआएं आपके साथ है। तो दरख्वास्त ये है कि बजाय इसके कि आप ये टाइम वेस्ट करें ये सोच करके एक वीक अभी और मिल गया है, तो आप एक वीक को अच्छे से अच्छी तैयारी करके गैट को इंशाल्लाह पास कर सकते हैं। तो मेरी नेक ये जो तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।